हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम 2019 के जियोलॉजी के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है, तो जियोलॉजी के पेपर सॉल्यूशन के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग पेपर क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है और इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती नहीं है। तो अब इसके जो पेपर है उसके सॉल्यूशंस करते हैं हम लोग। तो पेपर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लास्टोसिल से उत्पन्न देहगुहा कहलाती है, तो ये शूडोसिल कहलाती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शूडोसिल। लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है, तो ये एस्केरिस में नहीं पाई जाती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एस्केरिस। तंत्रिका की बाह्य परत बनी होती है, तो तंत्रिका की बाह्य परत होती है वो माइलिन सीथ की बनी हुई होती है, तो ये माइलिन सीथ किससे मिलकर बनी होती है, ग्लाइकोलिपिड से मिलकर बनी होती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिक मेहनत कठोर परिश्रम करने पर मांसपेशियों में क्या होता है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, पाइरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल के अंदर परिवर्तित हो जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, श्वसन को नियंत्रित करने वाला श्वसन केंद्र स्थित होता है, तो ये मेडुला ऑब्लॉगेटा के अंदर स्थित होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेडुला ऑब्लॉगेटा। उसके बाद में नेक्स्ट है, निम्न में से कौन लेस्मानिया डोनोवाई का वाहक है, तो ये होता है इसके अंदर फ्लेबोटम्स आर्जेंटिपस, फ्लेबोटम्स आर्जेंटिपस, तो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेंड फ्लाई। ग्लोचेडियम लार्वा किसके जीवन चक्र में आता है, तो ये लेमिलीडेंस के जीवन चक्र के अंदर आता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेमिलीडेंस। निम्न में कौन एक वास्तविक मछली है, ट्रू फिश की बात हो रही है, तो ये होती है फ्लाइंग फिश होती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे सिल्वर फिश होती है, ये तो किसके अंदर आती है, ऑर्थोपॉड्स में आती है। जेली फिश होती है, निडेरिया में आती है। कटल फिश होती है, मोलस्का के अंदर आती है, तो ट्रू फिश कौन सी है, फ्लाइंग फिश। नेक्स्ट, वाउजेरिया वेंक्रोप्टाई में संक्रमित एक मादा क्यूलेक्स मच्छर जब एक मनुष्य को काटती है, तब त्वचा के पंक्चर किए स्थान पर किस अवस्था के लार्वा को छोड़ जाती है, तो ये तृतीय अवस्था के जो लार्वा होते हैं ना, उनको छोड़ के चली जाती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसके काम न करने पर बनावटी पेसमेकर लगाया जाता है, तो ये ऐसे नोड होता है तो उसके कारण लगाया जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे नोड। नेक्स्ट, नाइट्रोजन चक्र में अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया है, तो ये होता है इसके अंदर नाइट्रोकोकस एसपी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोकोकस। मनुष्य में एम्फिसेमा का एक कारण हो सकता है, तो एम्फिसेमा का रिगार्डिंग है लंग से, रिगार्डिंग है ये लंग से मतलब है, तो ये लगातार सिगरेट का धूम्रपान करने से होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व से रिगार्डिंग है बाइकस्पिड जो वाल्व होते हैं ना उनसे। मिट्रल वाल्व कौन से द्वार को नियंत्रित करता है, तो ये करता है बाएं आलिन तथा बाएं निले के मध्य, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाएं आलिन तथा बाएं निले के मध्य, लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट, जीवित प्राणियों में परिवाहित रक्त का स्कंदन रोका जा सकता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मास्ट सेल्स, मास्ट कोशिकाओं के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीवित प्राणियों में जैव चक्रीय लय की निरंतरता के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है, तो ये पीनियल ग्लैंड होती है, कौन सी, पीनियल ग्लैंड, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, इसमें कॉलम ए और कॉलम बी को क्या करना है, मिलाना है इसके अंदर, ठीक है, सुमेलित करना है, तो इसमें वैसोप्रेसिन के अंदर आ जाएगा डायूरेसिस, वैसोप्रेसिन में डायूरेसिस,
प्रोजेस्ट्रॉन के अंदर आ जाएगा इसमें मेमोरी ग्लैंड, थाइमोसिस में आ जाएगा इम्यूनिटी, और कैटेगोलेमिन में आ जाएगा इमरजेंसी। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। उसके बाद में नेक्स्ट है, यूथीरिया के सदस्यों में प्रमस्तिष्क के अर्ध गोलार्ध अंदर से आपस में जुड़े रहते हैं, तो ये कार्पस केलोसम के द्वारा जुड़े रहते हैं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में परिवर्तित करने वाला प्रमुख एंजाइम है, तो ये होता है एंटेरोकाइनेज, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंटेरोकाइनेज, जो क्या करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है। मनुष्य में दांत के प्रकार होते हैं, तो ये होते हैं बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गर्तदंती, विषमदंती, द्विबाहुदंती, तो बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली जाति कहलाती है एलोपैट्रिक, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एलोपैट्रिक। उसके बाद में नेक्स्ट है, वह ओवेरियोल जिसमें पोषक कोशिकाएं अनुपस्थित रहती हैं कहलाता है, तो ये कहलाती है पिनोस्टिक, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूगर्भीय समय सारणी में वर्तमान काल कौन सा है, तो वर्तमान काल की बात हो रही है, तो ये होता है सीनोजोइक होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीनोजोइक। एड्रिनल कोर्टेक्स के समस्त हार्मोन संश्लेषित होते हैं कोलेस्ट्रॉल द्वारा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल द्वारा। कैंचुए में पीली कोशिकाओं का संबंध होता है, ये उत्सर्जन से संबंधित होती हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम से रिगार्डिंग होती हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉकरोच में एडिपोकाइनेटिक हार्मोन स्रावित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्पोरा कार्डियका के द्वारा, कॉर्पोरा कार्डियका, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉर्पोरा कार्डियका। निम्न में से कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने के काम आता है, तो ये होता है लाइगेज, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज तो क्या करता है, रेप्लिकेशन के अंदर काम आता है, और एंडोन्यूक्लिएज और एक्सोन्यूक्लिएज ये कट लगाने के काम में आता है, यानी कि डीएनए के किसी भी भाग के कट लगाने के काम में आते हैं। उसके बाद में है, अधिकतम अणुभार वाला नाइट्रोजन क्षार है, तो ये ग्वानिन होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पेरिप्लानेटा अमेरिकाना के संयुक्त नेत्र में विद्यमान रेबडोम में रेबडोमियर की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 7 होती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्यूबोनिक प्लेग का वाहक है, तो ब्यूबोनिक प्लेग है तो उसका वाहक है जिनोप्साइला क्यूपिस, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनोप्साइला क्यूपिस। नेक्स्ट, हर्टियन नामक विशिष्ट संरचना पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मस्का डोमेस्टिका के अंदर, जो हाउस फ्लाई होती है उसके अंदर पाई जाती है, जो हर्टियन नामक संरचना होती है। अरंड मतलब कैस्टर की पत्तियों पर पाई जाने वाली सिल्क मोथ की जाति है, तो ये होती है इसके अंदर फाइलोसेमिया रिसिनाई, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फाइलोसेमिया रिसिनाई, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट, कीटों के हिमोलिम्फ में पाई जाने वाली शर्करा है, तो ये होती है ट्रिहेलोज होती है इसके अंदर, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डेल्टोइड उभार एक विशेषता है, तो ये होती है ह्यूमरस की, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
हेमबर्ग परिकल्पना को किस नाम से भी जाना जाता है? ये क्लोराइड विस्थापन यानी कि क्लोराइड शिफ्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्तनधारियों की कौन सी रक्त वाहिनी में यूरिया की अधिकतम मात्रा होगी? तो ये होता है हिपेटिक सिरा के अंदर, हिपेटिक सिरा। तो बी का राइट आंसर हो जाएगा, हिपेटिक वैन के अंदर। अस्तित्व के लिए संघर्ष तथा योग्यतम का वर्णन संबंधित है, तो ये डार्विनिज्म से रिगार्डिंग है, डार्विनिज्म से संबंधित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीमोफीलिया महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होती है, क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रभावी एक्स सहलग्न। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वसा विलेय विटामिन है, तो वसा विलेय जो विटामिन है तो वो कौन सा है? टोकोफिरोल। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक टेंडोन जोड़ता है, तो एक टेंडोन किसको जोड़ता है? एक अस्थि को कंकालीपेशी से जोड़ता है, एक अस्थि को कंकालीपेशी से जोड़ता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे बात करते हैं ना, जो टेंडोन होती है, टेंडन जिसको कहते हैं, तो वो क्या करता है? बोन को मसल से जोड़ता है। ओके, और जो लिगामेंट क्या करता है? वो बोन को बोन से जोड़ता है। लिगामेंट क्या करता है? बोन को बोन से जोड़ता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अंतरजातीय संबंध जाना जाता है? तो अंतरजातीय जो संबंध है तो वो जाना जाता है, तो इसके अंदर सहजीवी आ जाएगा, सिम्बायोसिस। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिरोमोन जो कि ग्राही के व्यवहार में तुरंत प्रभाव डालता है तो कहलाता है, तो मोचक प्रभाव कहलाता है ये। तो बी का राइट आंसर हो जाएगा, मोचक प्रभाव। उसके बाद में नेक्स्ट है, ड्रेकोन्टियासिस नामक बीमारी करने वाला ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस का द्वितीयक पोषी है, तो ये साइक्लोप्स होता है। तो बी का राइट आंसर हो जाएगा, साइक्लोप्स। और ये क्या होता है कि दूषित पानी पीने के कारण होता है। मनुष्य की सामान्य वार्तालाप में ध्वनि का स्तर होता है, तो ये 60 dB डीपी होता है, डीबी होता है, 60 dB, 60 dB होता है इसके अंदर डेसिबल। निम्न में से कौन लेस तत्व नहीं है? तो ये आयोडीन नहीं है। तो डी का राइट आंसर हो जाएगा, डी का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, दीमक की आहनडाल में रहने वाला ट्राइकोनिम्फा का दीमक के साथ संबंध है, तो ये भी सिंबायोटिक ही होता है एक तरीके से, सहजीवी। पुरुषों में होने वाली एक अपसामान्यता जिसमें वृषणों का उचित परिवर्तन न होने के कारण वह सदैव नपुंसक रहता है कहलाता है, तो ये क्लाइफेंटर सिंड्रोम होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद में नेक्स्ट है, ऑर्निथिन चक्र की अभिक्रिया संपन्न होती है, तो ये संपन्न होती है, ऑर्निथिन चक्र की बात हो रही है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में यूरिया संश्लेषण के लिए। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत में यूरिया संश्लेषण के लिए। दया महाधमनी चाप विद्यमान रहता है, तो ये बर्ड्स के अंदर रहता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है? तो ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है इसकी बात हुई है, तो ये ACTH होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ACTH। नेक्स्ट, जीवाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ वायरस द्वारा जिस प्रतिक्रिया द्वारा स्थानांतरित किया जाता है कहलाता है पारक्रमण कहलाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसडक्शन। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डायबिटीज इंसिपिडस निम्न की कमी से होता है, तो ये ADH की कमी से होता है, ADH की कमी से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक माइटोटिक कोशिका के स्पिंडल तंतु किस प्रोटीन के बने होते हैं? ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक प्रोटीन नहीं है?
तो ये प्रोटीन नहीं है, हिमेटिन एक प्रोटीन नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमेटिन। वास्तविक देह गुहा वाला संघ है, तो ये होता है आर्थ्रोपोड्स होते हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी उत्पादन से संबंधित कीमियोस्मेटिक परिकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो ये किया था पीटर मिशेल ने, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीटर मिशेल। सिकल सेल एनीमिया एक आणविक बीमारी है, इस कथन को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, तो ये प्रतिपादित किया था लिंस पॉलिंग ने, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिंस पॉलिंग। प्लाज्मा झिल्ली के फॉस्फोलिपिड एक वसीय अम्ल सर्वदा असंतृप्त होता है ताकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली को तरलता प्रदान कर सके, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली को तरलता प्रदान कर सके। नेक्स्ट, मनुष्य में पाए जाने वाला प्लेसेंटा का प्रकार है, तो ये होता है इसके अंदर प्लेसेंटा का प्रकार हीमोकोरियल होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य को संक्रमित करने वाली मलेरिया की प्रावस्था है, तो ये होती है इसके अंदर स्पोरोजोइट होती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडा देने वाला स्तनधारी है, अंडे देने वाले जो स्तनधारी होते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्निथोरिंक्स, तो बी का राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्निथोरिंक्स। घड़ियाल में पाया जाने वाला हृदय है, तो ये चार कक्षीय होता है, तो डी का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये रेप्टाइल्स के अंदर एक तरीके से अपवाद है। और नेक्स्ट, स्तनधारियों स्तनियों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा जीव यूरिया का उत्सर्जन करता है, तो ये समुद्री एम्फीबियंस होते हैं वो करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समुद्री एम्फीबियंस। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण किया जाता है, तो ये किया जाता है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण स्पाइनल कोई के द्वारा किया जाता है, स्पाइनल कोई, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा किया जाता है। गर्भावस्था में कार्पस ल्यूटियम की निरंतरता बनाए रखने हेतु आवश्यक हार्मोन है, तो ये हार्मोन होता है इसके अंदर आवश्यक हार्मोन है, इसकी बात हुई है कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, तो डी का राइट आंसर हो जाएगा, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी मांसपेशी एक्टोडर्म से विकसित हुई है, तो ये है इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, आयरिस। रिबन वर्म तथा ड्यूजीसिया है, तो ये होता है इसके अंदर रिबन वर्म और ड्यूजेसिया होता है इसमें, एसिलोमेट होता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में सबसे कम संख्या में पाए जाने वाली डब्ल्यूबीसी है, तो यानी कि श्वेत रक्त कणिका कौन सी है, तो इसके अंदर हो जाएगा इसका राइट आंसर न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स। प्रोकैरियोट को किस जगत में सम्मिलित किया गया है, ये मोनेरा के अंदर रखा गया है इसको, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोनेरा। क्रेब्स चक्र का वह एंजाइम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर की सतह पर पाया जाता है, तो ये होता है इसके अंदर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, यदि बहुलक 12 है तथा माध्यिका 16 है, तो माध्य क्या होगा, तो इसका जैसे सॉल्यूशंस करते हैं ना, तो सॉल्यूशंस करने के बाद में इसमें राइट आंसर आ जाएगा 18, 18 इसका राइट आंसर होगा। एक समूहित सारणी में बहुलक की गणना किस आधार पर की जाती है, तो ये बारंबारता के आधार पर की जाती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यंकन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की, तो ये प्रतिपादित की थी कोनार्ड लोरेंज ने, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोनार्ड लोरेंज। नेक्स्ट, गेहूं के आटे में पाए जाने वाला नाशक कीट है, तो ये होता है ट्राइबोलियम होता है, तो ट्राइबोलियम बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो इसकी कास्ट पाई जाती है, ट्राइबोलियम कन्फ्यूजियम, ट्राइबोलियम चेस्टेनियम। सबसे सरल प्रकार का अधिगम है, तो सबसे सरल प्रकार का जो अधिगम होता है, तो वो होता है इसके अंदर सबसे सरल प्रकार का स्वाभाविकरण होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वाभाविकरण।
नेक्स्ट, पेशी संकुचन की कार्य की इकाई है, पेशी संकुचन होता है तो उसकी कार्य की इकाई कौन सी होती है, तो वो होती है इसके अंदर सार्कोमियर होती है, सार्कोमियर, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सार्कोमियर होती है। उसके बाद में निंद्रा जाग चक्र एवं अन्य लयबद्ध परिवर्तनों को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, तो ये हार्मोन होता है इसके अंदर मेलेटोनिन होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलेटोनिन। वृक्क में पथरी होने का कारण है, तो वृक्क होता है उसमें पथरी होने का कारण क्या होता है कि ऑक्सीलेट के क्रिस्टलीकरण के कारण होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंक ग्रंथि पाई जाती है, तो ये पाई जाती है सिफेलोपोड्स के अंदर पाई जाती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है सर्प की विष ग्रंथि होती है, तो ये मोलर ग्लैंड्स होती हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोलर ग्लैंड्स। उसके बाद में है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को पार की जा सकती है, तो ये होता है इसके अंदर आईजीजी होती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आईजीजी। एक्स सीतु संरक्षण की पद्धति का उदाहरण है, तो ये होता है जर्म प्लाज बैंक, जर्म प्लाज बैंक होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जर्म प्लाज बैंक। सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है तथा अनेक सैकड़ों से लेकर कई हजारों ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बना है, जो है, तो ये होता है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीटा वन फॉर लिंक्ड ग्लूकोज इकाइयां, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कारक हैं, तो ये एलेक्स जेफरी हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीव मंडल संरक्षण का आरंभ किया गया था, ये यूनेस्को के द्वारा किया गया था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री जल की औसत लवणता होती है, ये 3.5 होती है, प्रतिशत होती है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जैव भूरासायनिक चक्र सौर ऊर्जा के नियंत्रण को संचालित करता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल चक्र। सीएनजी से अभिप्राय है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तालाब की ऊपरी सतह के जल का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका पाटन फॉरेनहाइट में क्या होगा, तो ये होगा इसका 95 डिग्री फॉरेनहाइट, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से प्रथम जनरेशन की कीटनाशी का एक उपयुक्त उदाहरण है, तो ये पेरिस ग्रीन होती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है नेक्स्ट, काजीरंगा वन्य जीव उद्यान स्थित है, तो ये स्थित होता है किसके अंदर स्थित होता है, ये आसाम के अंदर है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आसाम, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आसाम। उसके बाद में निम्न में से कौन तंत्रिकीय संचरण का संधिमनी है, यानी कि निरोधी है, तो ये होता है इसके अंदर, निरोधी की बात हो रही है ना, तो निरोधी के अंदर आ जाएगा इसमें गाबा, तो गाबा है इसका, तो गाबा का जैसे फुल, वैसे राइट आंसर हो गया सी गाबा, और इसका फुल फॉर्म होता है गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रोकैरियोट में आनुवंशिक कूट में संभारम कोडोन है, तो एयूजी होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एयूजी, और स्टॉप कोडोन होता है UAA, UGA और UGA, UAG। उसके बाद में स्तनधारियों में कुफर सेल्स उपस्थित होती हैं, तो ये यकृत में होती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, लीवर। प्रोटीन जो कि जीर्णता के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ये होता है कोलेजन प्रोटीन होती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन। नेक्स्ट, कीट का अंडा होता है, तो ये होता है सेंट्रोलेसिथल होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रपीत की, केंद्रपीत की हो जाएगा। स्तनियों में निषेचन होता है, ये डिंबवाहिनी के अंदर होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब के अंदर। जीव के लिए म्यूटोन रेकोन तथा सिस्टोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये किया था इसके अंदर सर्वप्रथम सीमोर एवं बेंजन ने किया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलिसा का सामान्यतया उपयोग निम्न का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड अमाइनो सॉर्बेंट एसे। क्रायो प्रिजर्वेशन में द्रव्य नाइट्रोजन का तापमान होता है, तो ये -190 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीज एक कोफैक्टर है,
सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज का, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गए 100 क्वेश्चंस जो भी टोटली सारे थे।